नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबकी अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे। जी हाँ फ्रेंड, आ चुके हैं आप सभी के साथ में। और जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ, बात करेंगे आपसे कि आखिर वो कौन से गुड न्यूज़ निकल के आ रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ, बता दूँ सभी को कि बहुत ही अच्छी दो गुड न्यूज़ निकल के आ रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और ये अपडेट जैसा आपने देखा कि हमेशा से आपका चैनल आदित्य कॉमर्स हमेशा फर्स्ट रहा, हमेशा हर एक अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले अगर कहीं आई तो वो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स था। जी हाँ, फॉर्म को आने से पहले से लेके हर बार सारी अपडेट सबसे पहले अगर कहीं आती हैं तो वो चैनल आपका आदित्य कॉमर्स से। चलिए बात करते हैं आपसे कि आखिर वो दो गुड न्यूज़ कौन से निकल खरीद, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। बात करेंगे आपसे कि आखिर वो कौन सी क्या कुछ यहाँ पे गाइस निकल के आ रहा है। जी हाँ, मैं आगे बढ़ूँ, बताऊँ आपको कि आखिर दो गुड न्यूज़ क्या है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आ रहा है। उससे पहले अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आपसे कभी भी कोई भी अपडेट कोई भी खबर छूट ना पाए। ध्यान रखें आप सभी कि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस समय हर एक सूचना हर एक अपडेट आप लोग के काम की होती है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे सारी सूचनाएँ सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए और समय से पहले मिल पाए, जैसे आप उन सभी चीज़ों को आप समझ पाएँ और जान भी पाएँ। चलिए हम बात करते हैं आपसे कि आखिर वो कौन से दो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे पहली गुड न्यूज़ निकल के क्या आ रही है, वो निकल के आई हॉस्टल्स को लेकर। ध्यान रखिएगा, हॉस्टल्स को लेकर कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार हॉस्टल्स को के नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ाने की में बढ़ाने वाले हैं इस बार। इनकी जो हॉस्टल्स पहले अवेलेबल हुआ करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें से कुछ हॉस्टल्स और इस बार ऐड होंगे। ध्यान रखिएगा, तो कुछ ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि देखिए बड़ी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं तो हॉस्टल्स को इस बार इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया, बट जहाँ तक मेरे पास अपडेट निकल के आ रही उसके हिसाब से 2 से 3 हॉस्टल्स को बढ़ाने की बातें कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी आप सभी के लिए। ध्यान रखिएगा, तो हॉस्टल्स को इस बार बढ़ाने की बातें हो रही हैं यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए गाइस, पहली बात है कि हॉस्टल्स, एक बात मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, हॉस्टल्स अगर बढ़ा भी दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये मत सोच के चलिएगा कि अगर आपको मेन कैंपस मिल गया तो आपको हॉस्टल्स मिल गया। ध्यान रखिएगा, हॉस्टल्स अगर ये मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अगर मेन कैंपस मिल जाएगा तो आपको हॉस्टल्स मिल जाएगा। पहली बात मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि कॉलेजेस के बच्चों को हॉस्टल्स मिलता नहीं है। अगर आपका कॉलेज एडमिशन होगा तो आपको हॉस्टल्स मिलना ही नहीं है। अगर मेन कैंपस में भी अगर आपका एडमिशन होता है तो फिर 2 केस बनता है, मिलना और नहीं मिलने पे भी। ठीक, ध्यान रखिएगा, मेन कैंपस में आप पढ़ते हैं और आपको हॉस्टल्स मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% होती है। होता क्या है ना, मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपका मान लीजिए मेन कैंपस में एडमिशन हो गया तो जैसे जितने भी कोर्सेस हैं BA, BSc, BCom, BLLB, प्रोफेशनल कोर्सेज, UG, PG, यानी सभी को मिला के एक और कट ऑफ निकलता है और उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको हॉस्टल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेन कैंपस में पढ़ने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि आपको हॉस्टल्स मिल ही जाएगा। तो पहले अच्छी गुड निकल के क्या आ रही है कि हॉस्टल्स के नंबर्स को इस बार इंक्रीज़ किया जाएगा, 2 से 3 और हॉस्टल्स को लाने की बातें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार कर रहा, तो इसका ज़रूर यकीन है फ़ायदा उन छात्रों को मिलेगा जो स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। जहाँ देखिए, अगर बात करेंगे आप आपसे दूसरी सबसे अच्छी गुड न्यूज़ को लेकर, उससे पहले अगर मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही क्लियर बात है यहाँ पे कि आप सभी के चैनल आदित्य कॉमर्स पे एक नया बैच ओपन हुआ है 17 सितंबर से। तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट इंटायर कोर्स, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि 2nd वीक में वो एग्ज़ामिनेशन लेने जा रहे हैं अक्टूबर का। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये क्लासेस आपके लिए, आप इनके थ्रू आसानी से एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो ये भी क्लासेस आपको अंतिम समय में गाइड कर पाएंगे, अंतिम समय में आपको वो बता पाएंगे क्या पढ़ना और क्या चीज़ छोड़ना होता है। क्या कि बहुत सी चीज़ आप सभी पढ़ते हो जो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है और बहुत सी चीज़ होती हैं जो पढ़ना होता है आप इसको छोड़ देते हो। तो ये क्लासेस ऐसी हैं जिसके माध्यम से आप इंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। इंटायर कोर्स
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सारा कुछ यहाँ पे किया गया है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी सारी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जैसे आपकी तैयारी के साथ साथ आपका लास्ट टाइम पे रिवीजन भी हो पाएगा, आप आसानी से एंट्रेंस को क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। 17 सितंबर से एक न्यू एंड लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सबसे खास बात क्या है कि इस बैच में भी फ्लैट 50% भी ऑफ दिया जा रहा है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्लैट 50% ऑफ इस समय चल रहा है, एंड ये फ्लैट 50% ऑफ जो आप लोग रखा गया ये सिर्फ आज के लिए है, यानी 18 तक आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से वही फीस हो जाएगी जो अपने फीस पहले हुआ करते। तो यहाँ पे व्हाट्सअप पर इसके बारे में इंक्वायरी और भी कर सकते हैं कि क्लासेस में कैसे ज्वाइन होना है। ऑल कोर्सेज की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल कोर्सेज को लेके चलिए बात करते हैं। दूसरी अच्छी गुड न्यूज़ को लिखी आप देखिएगा, तो गाइस दूसरी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आप लोग के लिए कि जो फीस है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, जो फीस स्ट्रक्चर होगा इलाहाबाद, यानी जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद जो फीस होता है तो उसको भी इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसी अपडेट निकल के आ रही। ध्यान रखिएगा, यानी क्या कि जो फीस पिछले वर्ष था, जो फीस पहले हुआ करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा, वही फीस इस बार भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेंगे, तो फीस को भी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इलाहाबाद, मतलब ऐसा होता है कि फीसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है हर बार, लेकिन इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस को इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसी अपडेट निकल के आ रही। हालांकि इंतजार करेंगे इस चीज़ की जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ तक मेरे पास अपडेट्स निकल के आ रही है, उसके हिसाब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार भी फीस को बढ़ाने इस बार फीस को नहीं बढ़ाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग के फीस को इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा और आप सभी को उसका स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो ये अच्छी बात होती है आप सभी के। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। सो गाइस ये थी दो बहुत अच्छी गुड न्यूज़, होप्स आपको समझ में आया कि दो गुड न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समय कम बचा हुआ है और आप तैयारी को अब बहुत तेज कर दीजिएगा, बहुत तेज कर दीजिएगा, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो कंपटीशन का लेवल हाई होगा इस बार। और अगर आपका ड्रीम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पहुँचना तो अपनी तैयारी को सबसे तेज कर दीजिए, तभी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मिल पाएगा, जिसे हम सभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है, जिसे बहुत कुछ नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका ड्रीम है यहाँ पहुँचना तो बचे हुए समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, जो लास्ट समय पे इन समय को यूटिलाइज कर जाएगा वो एंट्रेंस क्रैक कर जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आएगी दो गुड न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को सारी सूचनाएं सारी अपडेट्स मिल पाए, और टाइमली बेसिस पे हम आपको मोटिवेट भी करते रहें, जैसे आप और आसानी से और भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पे आगे बढ़ें और एंट्रेंस क्रैक कर पाएँ। गाइस ध्यान रखिएगा, समय कम है, पेपर का लेवल टफ होता है, पेपर का लेवल कम्प्लीट मॉडरेट होता है, तो आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे आप एंट्रेंस को क्रैक कर पाएँ और मेन कैंपस में पहुँच पाएँ। कोई आपका सवाल होगा इसके अलावा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ दीजिएगा। हमसे पर्सनली बातें करने के लिए, हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, हमारा इंस्टा आईडी अपना आदित्य कॉमर्स का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।